लास्ट टाइम हमने जो किया था उसमें हमने ऐड किए थे, मतलब एम्प्लॉय आईडीज देखी थी और साथ में हमने ऐड करने का ऑप्शन देखा था कि हम इस पर क्लिक करते थे तो हमें वो होम के क्रिएट पे ले जाता था जहाँ से हम नए एम्प्लॉयज़ को ऐड कर सकते थे। अब हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ ऐड हो रहे हैं उसी का हमने क्या करना है, उसी के हमने पहले तो देखना है कि एम्प्लॉय की डिटेल्स क्या है, कि हमारे पास क्या एम्प्लॉय ऐड हुआ है उसकी अगर फर्दर डिटेल्स देखें ताकि जब हमने उसे अपडेट करना है तो हम सिंगल रिकॉर्ड को अपडेट कर सकें। हमने पूरे के पूरे टेबल को तो अपडेट नहीं करना होता ना, तो उसके लिए हमने टेबल के अंदर जो भी हमारे पास ये एम्प्लॉय आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, मैं इसको अगर पहले एक दफ़ा आपको चला के दिखा दूँ ताकि थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए कि हमने क्या किया था लास्ट टाइम। हमने ये बनाया था जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर आ रहे थे और साथ में हमने न्यू एम्प्लॉय ऐड करने का ऑप्शन रखा था। हम जो भी ऐड करते थे हमारे पास एम्प्लॉय ऐड हो जाता था, जो भी हम नेम इसमें मेंशन कर रहे होंगे वो हमारे पास एम्प्लॉय ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास एम्प्लॉय ऐड हो गया जो भी हमने किया। और अब हमने क्या करना है, हमने एक सिंगल रिकॉर्ड को अपडेट करना है। सपोज मैंने ये गलत डाटा एंटर किया है, मैंने इसको अपडेट करना है, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले इसको व्यू करना होगा, मतलब ये सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड करना है इसकी डिटेल्स में जाके ताकि इसकी आईडी के अगेंस्ट मैं इसको अपडेट कर सकूं। तो मुझे इसके साथ एक डिटेल्स का लिंक ऐड करवाना, जिस तरह से ऐड न्यू एम्प्लॉय इसी तरह मुझे हर किसी के साथ ऐड करवाना पड़ेगा क्योंकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैं किस आईडी के अगेंस्ट किस डाटा को अपडेट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे डिटेल्स ऐड करना है, तो उसी के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हमारे पास ये जो टेबल क्रिएट कर रहा है हो रहा है हमारे पास, जो ये फॉर ईच के लूप के अंदर मॉडल के थ्रू हम ये सारा डाटा एक्सेस कर रहे हैं, इसी के साथ मैंने क्या किया है, HTML एक्शन लिंक जैसे हमने एड न्यू एम्प्लॉय के लिए किया था वही काम हम इसके साथ करेंगे। इसमें हम डिटेल्स और डिटेल्स बता दें कौन सा व्यू इसका ऐड होना है और साथ में ये कहाँ पड़ा हुआ है, होम में पड़ा हुआ है, और आईडी हमें मिल जाएगी इसकी, किस ऐप पे हमने क्लिक किया है उसकी आईडी हमें रिसीव हो जाएगी इससे, इस मॉडल से, और इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने किस आईडी के अगेंस्ट क्लिक किया है और उस आईडी के अगेंस्ट हमें सारे का सारा डाटा रिसीव हो जाएगा। अब इसका जो हमारे पास कोड लिखा हुआ है होम कंट्रोलर में वो हमने क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास डिटेल्स के नाम से एक्शन रिजल्ट मेंशन है कि उसके क्लिक होने पे हमारे पास ये कॉल हो रहा होगा। इसमें हमने उसी तरह से जैसे हमने एम्प्लॉय व्यू मॉडल के अंदर क्लास के अंदर हमने ये मेथड्स बनाए हुए थे कौन सा, गेट एम्प्लॉयज डिटेल बाय आईडी, तो इसमें हम क्या कर रहे होंगे, ये हमारे पास एम्प्लॉय व्यू मॉडल की क्लास है, इसमें हम अगर एम्प्लॉय डिटेल्स के मेथड में जाए गेट एम्प्लॉय डिटेल्स बाय आईडी, ये मेथड हमारा कॉल होगा हमारे होम कंट्रोलर के अंदर। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एम्प्लॉय की क्लास, ये जो हमने मॉडल बनाया हुआ है उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट को हम आगे यूज करेंगे आईडी, नेम और ईमेल, मोबाइल नंबर गेट करने के लिए। तो बाकियों में भी हमने इसी तरह किया था, जो हमारे पास ये ऊपर आ रहे थे एड यू एम्प्लॉय, हमने इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग जनरेट की थी और यूजिंग एसक्यूएल कनेक्शन कमांड्स को यूज करते हुए हमने डाटा गेट किया था, ये हमारे पास गेट ऑल एम्प्लॉयज के लिए था। अब उसी को हम फर्दर एनहांस कर रहे हैं, उसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि कनेक्शन स्ट्रिंग एस्टेब्लिश कर रहे हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग का तो सबको आता होगा कैसे कनेक्शन बनाते हैं, और देन उसके बाद हम एसक्यूएल कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं और इसमें हम क्या पास करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसके साथ हम एसक्यूएल कमांड कॉल कर देंगे और इसके अंदर हमारे पास क्यूरी मेंशन कर देंगे। इसकी हमने क्या किया, इसने हमने डायरेक्ट क्यूरी पास कर दी है, आप यहाँ पे डायरेक्ट क्यूरी भी पास कर सकते हो, या हमने पहले जिस तरह से स्टोर प्रोसीजर्स बनाए थे ये हमारा स्टोर प्रोसीजर है। ठीक है, आप स्टोर प्रोसीजर्स भी बना सकते हो, आप इस तरह से डायरेक्ट क्यूरी भी लिख सकते हो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम यहाँ पे पूरी की पूरी कमांड भी मेंशन कर सकते हैं। और साथ हमने क्या पास कर दिया है, कनेक्शन, हमारा कनेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, देन इसी को यूज करते हुए हम कनेक्शन को ओपन करेंगे और कमांड के थ्रू हमें पैरामीटर्स मिल जाएंगे कि कौन सी, किस पे हमने क्लिक किया, वो आईडी हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएगी, वो जो हमने व्यू के अंदर क्लिक किया होगा वो आईडी क्लिक हो जाएगी, तो हम उसके अगेंस्ट वो पास कर देंगे ये आईडी जो है हमारे पास, ये आईडी इसके इक्वल हो जाएगी। देन क्या कर रहा है, एसक्यूएल रीडर कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा है और रीडर रीड करेगा डाटा को, सो जहाँ पे ये आईडी मिल जाएगी डेटाबेस के अंदर, रीडर को जहाँ पे भी ये आईडी मिलेगी उस आईडी के अगेंस्ट वो हमें ये तीनों चीजें रिटर्न कर देगा, नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर, ये हमने सर्च करनी है।
और ये हमें डिटेल्स पे क्लिक करने पे इस तरह से रिटर्न हो जाएगा। अब इस मेथड को हम यूज कर रहे हैं अपने होम कंट्रोलर के अंदर, ये डिटेल्स के अंदर। और यहाँ पे हमने क्या किया, एम्प्लॉय व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने एम्प्लॉय व्यू मॉडल से गेट एम्प्लॉय डिटेल्स बाय आईडी कॉल किया, इसमें हमने आईडी पास कर दी है। और ये हमारा एम्प्लॉय जो है, ये हमारी मॉडल है, मॉडल क्लास है, और ये हम रिटर्न कर रहे हैं इस मॉडल को अपने इस डिटेल्स के व्यू से। ठीक है, तो अब होगा क्या कि हम जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले तो एक डिटेल्स का ऑप्शन ऐड हो जाएगा। ये हमारे पास सिंपल था पहले, अब हमारे पास यहाँ पे डिटेल्स का ऑप्शन ऐड हो जाएगा। ये डिटेल्स का ऑप्शन ऐड हो गया। अब सपोज मैंने इस रिकॉर्ड को, लास्ट पे जो मैंने रिकॉर्ड एंटर किया है, इसको मैंने अपडेट करना। अभी हमने अपडेट का मेथड इंप्लीमेंट तो नहीं किया, लेकिन डिटेल्स का इंप्लीमेंट किया, तो मुझे इसकी डिटेल्स ही हो जाएगी। ठीक है, आईडी, नेम और सारी की चीज़ें इसकी मुझे इस तरह से शो होगी। अगर इसकी डिटेल्स का व्यू देखें तो उसमें हमने ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं, ये हमारे पास डिटेल्स का व्यू है जो कि हमारे पास उस होम कंट्रोलर से रिटर्न हो रहा है। एम्प्लॉय आईडी और एचटीएमएल डिस्प्ले टेक्स्ट, और यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी मिल रहा है, नेम मिल रहा है, ईमेल मिल रही है, और साथ में हमें मोबाइल नंबर मिल रहा है। तो इन चीज़ों को हमने इन सब पे असाइन करके उस पर व्यू करवा दिया। अब डिटेल्स तो हमें इस पर मिल रही हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि हमने ये करना है कि इसी के साथ हमने एक अपडेट का ऑप्शन देना है, कि जब हम क्लिक करें यही वाली डिटेल्स हमारे पास अपडेट में ऐड हो जाएं, ताकि हमें पता चले कि ये ऑलरेडी जो वैल्यू सेव है वो ये हैं, और इनको जिनको चेंज करना है हम उसको चेंज कर सकें। तो उसके लिए जिस तरह से हमने डिटेल्स ऐड किया है, उसी तरह से हम इसमें अपडेट का ऑप्शन ऐड करेंगे। हमारे पास ये जो लिंक है, इसमें हमने मेंशन किया हुआ है एडिट के नाम से, कि हमारे पास एडिट है और एडिट का जो व्यू है, देन इसके बाद ये कहाँ पड़ा हुआ है, हमारे पास होम में पड़ा हुआ है। एडिट में हमने क्या किया हुआ है, एडिट को देख लेते हैं कि हमने इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हुए हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस फॉर, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले में आईडी आ जाएगा, और इसको हमने क्या सेट किया है, रीड ओनली, कि हम सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हम आईडी को मॉडिफाई नहीं कर सकेंगे। इस आईडी के अगेंस्ट हम डाटा को अपडेट कर सकेंगे, लेकिन आईडी को मॉडिफाई नहीं करेंगे, इस वजह से हमने इसको रीड ओनली रखा हुआ है। सिमिलरली हमारे पास नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स है, ईमेल के लिए टेक्स्ट बॉक्स है, और मोबाइल नंबर के लिए टेक्स्ट बॉक्स है। साथ में हमने एक इनपुट वैल्यू ले ली है सबमिट के लिए। तो इसका जो हमारे पास कंट्रोलर बन रहा है, वो हमारे पास कंट्रोलर में ये एडिट का व्यू है, ये हमारे पास एडिट का व्यू बनेगा, जो क्या करेगा, गेट एम्प्लॉय डिटेल्स पहले गेट करेगा, सारी एम्प्लॉय डिटेल्स को गेट करके हमारे पास उस व्यू में ऐड कर देगा। देन हमारे पास ये मेथड कॉल हो रहा होगा एडिट, जो क्या करेगा, हमारे पास अपडेट एम्प्लॉय डिटेल्स, मतलब जो हमारे पास एम्प्लॉय की डिटेल्स है उसको अपडेट कर रहा होगा। ये वाला गेट एम्प्लॉय डिटेल्स हमने ऊपर भी कॉल किया हुआ है, इसलिए हम इसको दोबारा नहीं देखते, ये वही सिंपल वही मेथड कॉल हो रहा है। ये जस्ट करेगा ये कि एम्प्लॉय डिटेल्स को गेट करके टेक्स्ट बॉक्सेस में ऐड कर देगा, ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हमने देखे हैं। जो असल अपडेट का काम है वो हमारे पास ये है, अपडेट एम्प्लॉयज डिटेल्स, ये क्या कर रहा है हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास ये जो एम्प्लॉय व्यू मॉडल है, इसके अंदर हम इसको, इसका भी मेथड हमने बनाया हुआ है अपडेट एम्प्लॉय डिटेल्स। इसके अंदर हम एम्प्लॉय पास कर रहे हैं, एम्प्लॉय टाइप का वेरिएबल पास कर रहे हैं, और इसमें हम अगेन उसी तरह से कनेक्शन स्ट्रिंग बना रहे हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के बाद हम एसक्यूएल कनेक्शन जनरेट कर रहे हैं और कमांड पास कर रहे हैं। और इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, इसके अंदर हमने स्टोर प्रोसीजर कॉल किया हुआ है। ठीक है, स्टोर प्रोसीजर किस चीज़ का है, एम्प्लॉयज अपडेट रिकॉर्ड, जो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अपडेट कर रहा है, जिस तरह से हमने इंसर्ट के लिए बनाया था और व्यू के लिए बनाया था, उसी तरह से हमने इस पे अपडेट एम्प्लॉय अपडेट रिकॉर्ड का बना दिया। हम यहाँ पे इसकी तरह कमांड भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों तरह से हम इसको कर सकते हैं। जिस तरह से हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्यूरी लिखी हुई है, हम यहाँ पे क्यूरी भी मेंशन कर सकते हैं। और देन हम क्या कर रहे हैं, कमांड टाइप, और इसमें हम क्या करेंगे, स्टोर प्रोसीजर पास कर रहे हैं हम। इसमें आपने देखा होगा कि हमने इसके कमांड टाइप स्टोर प्रोसीजर मेंशन नहीं किया, ठीक है। जब हमने पूरी की पूरी क्यूरी यहाँ पे लिख दिया, तो फिर हमने उसे बताना नहीं है कि ये आपने स्टोर प्रोसीजर से जाके असेस करना है, फिर लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम स्टोर प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, तब उसको बताएंगे कि ये स्टोर प्रोसीजर टाइप का है। देन कनेक्शन ओपन हो रहा है, और इसके अगेन एड विद वैल्यू हम कॉल कर रहे थे, कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू, और आई डी के अगेंस्ट एम्प्लॉय आई डी अपडेट कर रहे हैं, नेम के अगेंस्ट नेम अपडेट हो जाएगा, ई मेल के अगेंस्ट ई मेल, और एम्प्लॉय नंबर के अगेंस्ट एम्प्लॉय। और देन हम क्या कॉल करेंगे, कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। अब इस केस में क्या हो रहा है कि हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं अपडेट करने के लिए। एम्प्लॉय व्यू मॉडल का उसी तरह से हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जिस तरह से हम पहले करते आ रहे हैं,
और इससे हम कॉल कर रहे हैं एम्प्लॉय डिटेल्स, अपडेट एम्प्लॉय डिटेल्स, उसमें हम एम्प्लॉय पास कर देंगे और देन हम इसको रीडायरेक्ट करवा रहे हैं वापस अपने होम पेज पे, इंडेक्स पेज पे, ठीक है। और ये हमारा व्यू रिटर्न कर रहा है। अब हम इसको अगर एग्जीक्यूट करके देखें, पहले हमारे पास क्या आ रहा था, डिटेल्स का ऑप्शन ऐड हो रहा था, अब हमने क्या किया है अपडेट का ऑप्शन भी इसके साथ ऐड कर दिया, एडिट का ऑप्शन, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से डिटेल्स आ रही है। डिटेल्स अगर व्यू करना चाहें तो हमें इस तरह से डिटेल व्यू हो जाएंगे। अगर सपोज मुझे इसको अपडेट करना है, एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर अपियर हो गया। इसको हम एडिट नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसे रीड ओनली सेट किया था। नेम को हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको अपडेट कर देते हैं और नंबर हम यही रहने देते हैं, कुछ नंबर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अपडेट रिकॉर्ड, थर्ड वन को हमने अपडेट किया था, फैसल फैसल 1 2 3 एंड उसके बाद नंबर। सपोज मैंने लास्ट को भी अपडेट करना है, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, ईमेल ठीक है जी, नंबर भी हम अपडेट कर देते हैं, नंबर भी अपडेट कर दिए, अपडेट रिकॉर्ड। तो ये हमारे पास रिकॉर्ड ये वाला अपडेट हो गया। हम इससे डिटेल्स गेट कर सकते हैं, इससे हम इसे एडिट कर सकते हैं और ऐड न्यू का हमने ऑलरेडी देख लिया था। अब नेक्स्ट थिंग इज कि हम इसी को डिलीट भी कैसे कर सकते हैं। अब उसके लिए भी हमें सेम यही मेथड यूज करेंगे कि इसके साथ हम एक डिलीट का ऑप्शन भी दे देंगे ताकि वो हर आईडी के अगेंस्ट हमें पता चल जाए कि हमने कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो उस पर क्लिक करेंगे, जो एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड होगा हमारा वो डिलीट हो जाएगा, जैसे ही हम उस पर डिलीट पे क्लिक करेंगे। उसके लिए अगेन हमें हमारे पास जो इंडेक्स है वहाँ पे हमें इसका अगेन एक्शन लिंक बनाना पड़ेगा। एक्शन लिंक बना रहे हैं डिलीट के नाम से और इसका हमारे पास व्यू कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने यहीं पे ही इसे डिलीट कर देना है, ठीक है। हमारे पास इसका कुछ व्यू भी नहीं होगा, इसी पेज पे ही हम इसको डिलीट कर देंगे। लेकिन इसका हमारे पास होम कंट्रोलर के अंदर हम इसका मेथड बनाएंगे। ये डिलीट का मेथड है जो कि इसको यूज कर रहा है डिलीट एम्प्लॉय आईडी जो हमारे पास इसमें बना हुआ है एम्प्लॉय व्यू मॉडल के अंदर। ये हमारे पास डिलीट एम्प्लॉय के नाम से है, इसमें हम आईडी पास कर देंगे, आईडी हमें रिसीव हो जाएगी जिस पे भी क्लिक हो रहा होगा उसकी आईडी रिसीव हो जाएगी। देन हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग बन रही है, एसक्यूएल कनेक्शन जनरेट हो रहा है, कमांड जनरेट हो रही है और इसमें हम स्टोर प्रोसीजर कॉल कर रहे हैं जिसको हमने डिलीट करना है। और जिसको डिलीट करना होगा उसका स्टोर प्रोसीजर कॉल कर देंगे तो उसको हम बताएंगे भी ये स्टोर प्रोसीजर टाइप का है। देन हमारा कनेक्शन ओपन होगा और इस आईडी के अगेंस्ट जो है हमारा जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी और आईडी के अगेंस्ट हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो हमारा इसी तरह से जिस तरह से हमने अपडेट डिलीट एडिट किया है उसी तरह से ये डिलीट परफॉर्म हो रहा होगा। हमने इसमें ये भी ऐड कर दिया है इंडेक्स के अंदर, हमारा जो इंडेक्स था इसमें हमने एडिट का ऑप्शन ऐड कर दिया है, जिस तरह से हमारा डिटेल्स और एडिट का आ रहा था उसी तरह से हमने डिलीट का भी ऐड कर दिया है और इसको हम यूज कर रहे हैं हमारे पास इस डिलीट के अंदर एक्शन रिजल्ट के अंदर। एम्प्लॉय व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और देन इसके साथ हम कॉल कर रहे हैं डिलीट एम्प्लॉय और इसमें हम आई डी पास कर रहे हैं, देन इसको दोबारा रीडायरेक्ट कर रहे हैं अपने उसी पेज के ऊपर इंडेक्स के ऊपर। तो लेट्स सी के हम इसको किस तरह से डिलीट करते हैं। पहले हमारे पास दो आ रहे थे डिटेल्स एंड एडिट, अब हमने इसको क्या ऐड कर दिया, डिलीट का ऑप्शन भी ऐड कर दिया। लेट्स सपोज मुझे ये रिकॉर्ड ऐड करना डिलीट करना है, ठीक है, 1011 जो है इसको डिलीट करना है, इस पर क्लिक करते हैं तो रिकॉर्ड डिलीट हो गया और दोबारा से रीडायरेक्ट होके उसी पेज पे आ गया। सपोज मुझे ये भी डिलीट करना है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया। इस तरह से हमारे पास एमवीसी के अंदर क्वेरी ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं, बिल्कुल सिंपल। अगर आपने इंसर्ट और आपने व्यू वाला काम कर लिया हुआ है तो फिर आपके लिए अपडेट और डिलीट करना बिल्कुल आसान है, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने जो काम करना है वो आपने ये फंक्शंस बनाने हैं, वो भी उसी तरह से बन रहे हैं और उनकी क्यूरीज चेंज हो रही है। देन हम इसको उसी तरह से अपने होम कंट्रोलर के अंदर कॉल कर रहे हैं जैसे हमने इनको किया था, जिससे हमने गेट ऑल एम्प्लॉयज को किया था उसी तरह से हमने ऐड के लिए किया था एड एम्प्लॉयज, इसी तरह से हमने डिटेल डिलीट और अपडेट को किया। तो उसी मेथड उन्हीं मेथड्स को हमने फर्दर एनहांस किया जी।